इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बेको बेको नाया बेको बेके बेको नाया बेको जस्टिस बेको नमगे जस्टिस बेको वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस बेके बेको नाया बेको बेके बेको नाया बेको वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस। वार्ड नंबर 25 में यहाँ पर तकरीबन 500 से 800 वोटरों के नाम फहरिस्त से गायब है, लिहाजा यहाँ पर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपना हक वो निभाना चाहते थे लेकिन फहरिस्त से नाम गायब किया गया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार, लिहाजा हमारे साथ मौजूद हैं कई सारे वोटर्स यहाँ पर। बताइए कि आपका मसला क्या है, क्या परेशानी? जी मेरा नाम इरफान अहमद शेख अली है, मैं ग्लोबल पीस ह्यूमन राइट मिशन से नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और वार्ड नंबर 25 में रहने वाला रहवासी हूँ, आजम नगर 5th क्रॉस। यहाँ पे सुबह से हंगामा चला है, यहाँ पे जितने लोग लास्ट टाइम एमपी इलेक्शन के लिए वोट किए थे अभी जो 3 महीने पहले, मैक्सिमम लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है और यहाँ पे इतनी हलचल मची है सुबह से। मैडम लक्ष्मी मैडम निपानीकर भी आके गए, दौड़ गौडर साहब भी आकर गए, वो हमें बता के गए हैं जो लिस्ट फाइनल हुई है, जो लिस्ट फाइनल होके आई है वही लिस्ट फाइनल होने वाली है, अभी आप अगेंस्ट लॉ नहीं जा सकते करके हमें बता रहे हैं। बट ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार में ये हक है कि हम हमारे राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, तो इसके लिए हम कल सुबह जाके कोर्ट में हमारा पिटीशन ये करेंगे, सबमिट करेंगे और हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि ये जो इलेक्शन हो रहा है यहाँ सब सरासर इनजस्टिस हो रहा है, तो इसलिए हमको री इलेक्शन करने का और यहाँ के जितने भी लोगों का यहाँ पे नाम नहीं आया है वार्ड में तो सब लोगों का नाम एंट्री करा के यहाँ पे इलेक्शन किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और सभी आवाम मेरे साथ है, कम से कम 1500 लोगों का यहाँ पर नाम आया नहीं है तो ये चला है यहाँ पे, तो हमारा इलेक्शन आईडी है फिर भी हमारा नाम नहीं है। मेरे घर से 12 वोट नहीं है, वैसे हर एक घर से 10-10-12 वोट गायब हुए हैं, तो यहाँ पे हमको जस्टिस चाहिए, सो वी आर फॉर जस्टिस। तकरीबन 6-7 हज़ार वोटर ये वोटों का एक वार्ड रहता है, अगर उसमें से 1500 वोट अगर चले जाते हैं तो यहाँ पर जो भी नुमाइंदा जीत कर आएगा, जैसा कि 6 तारीख को जिस तरह से फैसला आना है तो ये फैसला ये मानने के लिए तैयार नहीं है और आवाम जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की मोड में है। अब देखना ये है कि इस फैसले को रद्द करते हैं या उसी फैसले को वो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं ये जो हमारा मसला है वो हाईलाइट करें मीडिया में, सोशल मीडिया में, ताकि हमारी बात बेलगाम के जो डिप्टी कमिश्नर हैं हीरेमठ साहब उनको हमारी बात पहुंचे और जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस है उनको भी हमारी बात पहुंचे और हमें जस्टिस चाहिए। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं आप मैक्सिमम हम इस बात को उठाइए और जस्टिस हमको दिलाने के लिए कोशिश कीजिए, कल भी हम इंशाल्लाह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। सर बेगे इलेक्शन वोटिंग हाँ बंदेव रही है, बेगे 7 घंटे बंदेवी ನಮ್ಮನೆ 3 ಮಂದಿ ಇತ್ತು ರೀ ಇಲೆಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂ ಪಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೇವಿ ಇಲ್ಲೇ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಸರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು, ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂಥೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 200-300 ಮಂದಿದ ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನಾಗ ತೋರ್ಸಾಗೈತೆ ರೀ ಆದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ನಂಬರ್ ये देखो पूरे सबके नंबर मोबाइल नंबर उनके ये सब है इधर मेरे पास, ये देखो सब पूरे नाम है, सॉरी इले एलू लिस्ट ऐत रही यारदू बंद हेसर ऐनमी आप क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि 1500 तकरीबन वोट यहाँ से लिस्ट से गायब होने की बात आ रही है, अगर 1500 वोट अगर निकल जाते हैं तो जिस नुमाइंदे को भी चुना जाता है तो वो नुमाइंदा शक के दायरे में आ सकता है, तो क्या आप अदालत का दरवाजा करेक्ट ऐत रही ईग ना ऐनू माक बरंग याकंद्रे बंद कॉर्पोरेशन इवर कमीशन है निम्बर मोदी ईग ना सैटर्डे नाड़ संडे नाड़ वोटिंग ऐनमी नाड़ी ना स्टे तर ऐन उपयोग ऐनमीव ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರಿ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಂದ ಗುದ್ದಾಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋತೇವೆ ರೀ ನಾವು ನಾ ತಗೋತೇವೆ ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋತೇವೆ 1500 ಮಂದಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾರ್ದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ पूरे 10 वोट नहीं, मेरा नाम महबूब पटेल, मैं आजम नगर में रहता हूँ,
क्या अभी तक पूरे वोट डालते आए हैं, जब से वोटिंग चालू है तब से, अभी ये साल किसके भी वोट नहीं है, हमारे 10 वोट है, हमारे चार भाऊ चार बेटे और हम जरूर, तो पूरे 10 वोटों में एक किसका भी नाम नहीं है। टोटल 1500 टोटल 1500 वोटा कैंसिल कर दिया नमा सबके मीटर से 26 नंबर। और इन्होंने बोलते हैं 15 दिन पहले हम पेपर में दिए थे, बोलते हैं पेपर में दिए थे, किधर दिए, क्या भी इंटीमेशन, निकालने की जरूरत क्या है नामों की? जो आदमी मरा है वो ऑटोमेटिकली आएगा नहीं, तो फिर निकालने की जरूरत ही क्या है? 1500 लोग तुम्हें पेपर में देने की क्या जरूरत है? हमें जिसका जिसका नाम नहीं है वो आके उधर मिलो बोल रहे हो, तो कई को मिलेगा हमें? जब हमारा हमारे पास वोटर आईडी आधार कार्ड पटियाल बोल के हैं उनके घर के 32 वोट, पूरे 32 वोट नहीं पटियाल के, नम कंप्लेंट एदिक माडिल अंत केळ्तार रे, इदु फर्स्ट टाइम आगेते, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇದು ತಗೋದಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬೈದಂತ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಈಗ ಜೊ 10-15 ಸಾಲ ಸೇ ಮರೆ ಉನ್ಕಾ ಹೈ ಔರ್ ಹಮಾರಾ ನಹೀ ಹೈ ಜಿಂದೆ ಲೋಗೋಂ ಕಾ ನಹೀ ಹೈ ಮರೆ ಲೋಗೋಂ ಕಾ ಹೈ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದ ತೆಗ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25 ಮೇ ಲೋಗೋ ಮೇ ಗುಸ್ಸಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ಕಹನಾ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಆಜ್ ಜೋ ಚುನಾವ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ವೋ ಉಸ್ಕೋ ಮಾನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಯಾರ್ ನಹೀ ಹೈ, ಔರ್ ಅಕ್ಸರ್ ಹಮ್ನೆ ಯೇ ಭಿ ದೇಖಾ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಲೋಗ್ ಮರೆ ಹುಯೆ ರಹತೆ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಫರ್ಜಿ ವೋಟಿಂಗ್ ತೋ ಹೋತಿ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಯಹಾಂ ತಕರೀಬನ್ 1500 ಲೋಗ್ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಯಹಾಂ ಜಿಂದಾ ಔರ್ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಇನ್ಕೆ ನಾಮ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇ ಗಾಯಬ್, ಲಿಹಾಜಾ ಇನ್ಹೋನೆ ಅದಾಲತ್ ಕಾ ದರವಾಜಾ ಖಟಖಟಾನೆ ಕಿ ಭಿ ಬಾತ್ ಕಹಿ ಹೈ, ಔರ್ ಇಸ್ ಫೈಸಲೆ ಕೋ ಮಾನ್ನೆ ಸೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಭಿ ಕಿಯಾ. ಜಿಸ್ ತರಹ ಸೇ ಸಭಿ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟೋ ಸೇ ನಾಮ್ ಕಾ ಗಾಯಬ್ ಹೋನೆ ಕಾ ಮಾಮಲಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25 ಸೇ ಸಾಮ್ನೆ ಆಯಾ ಹೈ, ಯಹಾಂ ಪರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25 ಕೆ ಉಮ್ಮೀದ್ವಾರ್ ಫತೇ ಖಾನ್ हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी उनकी वालिदा हैं उम्मीदवार, लेकिन ये पूरी तरह से संभाल रही है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? हम तो अपील करे थे, हाँ। जो भी है वो वोटर्स लिस्ट लाए थे हम लोग, जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में, तो डिक्लेयर होने के बाद में जब लिस्ट लाए थे हम लोग, तो दो दिन के बाद में ये पता चला कि कुछ नया लिस्ट अपलोड हुआ है भर के, फिर दो दिन के बाद में नया लिस्ट लाए, लाने के बाद में उसमें कुछ फ़र्क दिखा, फिर देख दो तीन दिन के बाद में और अपलोड हो आए करके बोले, फिर भी लाए, फिर अभी बिफोर अभी ये वोटिंग होने के दो दिन पहला हम लोग लाए क्या, तो उसमें क्या हुआ है एक्चुअली, जो लिस्ट हम लोग को दी गई थी वो लिस्ट हमने, जैसे कि पैम्पलेट आता है क्या, हम हमारे तरफ से हेल्प करते हैं जाके देने के बाद में, ये जो लिस्ट हम लोग लाए थे और ये लिस्ट को और वो अंदर की बूथ की लिस्ट में बहुत फ़र्क है, इसमें जो नाम है वो उसमें नाम नहीं है, जिसमें इतना क्वांटिटी है वो उसमें नहीं है क्या, ये फर्क तो हुआ है? तो इस पर क्या आपकी क्या राय है? तो ये कम हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या वजह कम हुआ है? अभी वो गवर्नमेंट की बात है, हम तो उसमें क्या बताने वाले हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं हम कोर्ट के वो जाएंगे और स्टे लाने की कोशिश करेंगे, दोबारा इलेक्शन करेंगे, इस पर आपके? वैसी बात है, तो हम लोग अपील किए थे, CPI सर भी आए थे हमारे इधर, हिरेमठ सर आए थे, मंजूनाथ सर आए थे, आके वो बोले कि हम कमिश्नर के साथ में बात करेंगे, ये मामला हमारे को कंसर्ट नहीं रहता, इलेक्शन कमीशन को कंसर्ट रहता, तो निपानीकर मैडम भी आए थे यहाँ पे, आने के बाद में वो बोले कि आपका हक है जो आप पूछ रहे हैं, आपका हक है, लेकिन आप ये बूथ नहीं बंद करा सकते, वोटिंग नहीं रुका सकते, आप कंप्लेंट दे सकते, ये पब्लिक को बोल के उन्होंने अपना ओपिनियन दे के गए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 1500 वोट जब 6-7 हज़ार 8 हज़ार का वार्ड होता है, 1500 वोट अगर कम होते हैं तो एक बड़ा फर्क आता है जी। फर्क तो आता ही है, अब गवर्नमेंट से गलती हुई है तो हम क्या बोलेंगे उसके बारे में? गवर्नमेंट की गलती आवाम क्यों भुगते सर? ये तो बात आपकी सही, आवाम क्यों भुगते बराबर है, तो अब हम अपील किए थे तो वो माने नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट के सामने हम जो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है हम उसको पालन करके चलना तो ही पड़ता है। भी इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि ये गलती हुई है हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इस पर उन्हें संजीदगी से सोचा। जी 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 जी, ये थे इमरान फतेह खान, उन्होंने भी यही कहा है कि जो गलती हुई है इसे यकीनन हुकूमत को इसमें जो है संज्ञान लेना चाहिए, यानी कि इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और तवज्जो देते हुए इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर तवज्जो दे, क्योंकि एक वार्ड से 1500 वोटों का गायब होना ये कोई मामूली नहीं है, क्योंकि नतीजे तो एक एक दो दो वोट में आ जाते हैं, तो लिहाजा 1500 वोट का गायब होना भी एक बड़ी वारदात ही कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर फैसला ले। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।